आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज़। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। तवेरा ट्रक की टक्कर, 5 घायल, घायलों का हाल जानने गलाकोटा से दमोह पहुंचे भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव। मृत युवक को जिंदा करने के लिए जिला अस्पताल में चलता रहा तंत्र मंत्र का खेल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया अल्पवास पर पहुंचे दमोह। विभिन्न मांगों को लेकर अजाक्स ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें, खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह सागर स्टेट हाईवे पर हुए एक बड़े हादसे की, जिसमें टवेरा और ट्रक की भिड़ंत हो गई। 5 लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। युवा नेता भाजपा दीपू भार्गव भी उन्हें देखने के लिए पहुंचे। बताया जाता है गड़ाकोटा का यह परिवार है जो बागेश्वर धाम जा रहा था। बीच रास्ते में टवेरा चालक खड़े ट्रक से जा टकराया। इस घटना में एक की स्थिति काफी गंभीर थी। इस संबंध में मदद करने वाले दमोह के युवक के द्वारा बताया गया। लौट रहे थे तो बीच में बासा के पास देखा तो एक टवेरा गाड़ी थी जिसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई थी। तो काफी गंभीर रूप से ये लोग घायल हुए थे, तो उनको निकाला और तो फौरन हॉस्पिटल भेजा और तत्काल 108 नंबर पे कॉल किया और उनके फैमिली वाले थे उनको कॉल किया। कितने लोग घायल हुए? मुश्किल से 4 लोग घायल हुए हैं और 5-4 लोग हैं, एक क्रिटिकल कंडीशन में है और 4 महिलाएं थी। उनके परिवार के मुताबिक वो लोग सागर गड़ाकोटा से किराए की गाड़ी करके टवेरा बागेश्वर धाम की ओर निकले थे और बताया जा रहा है कि टवेरा गाड़ी के ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और इसी वजह से वो ट्रक में जाके भिड़ गए। मौके पर प्रत्यक्ष दर्शियों ने हमें ये बताया। क्या नाम है आपका? और अभिषेक खत्री। कौन है उसके बारे में कुछ जानकारी लगी? अभी कोई जानकारी उठाए थे हमने तो सिर्फ उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया एम्बुलेंस बुला के। ट्रक का ड्राइवर तुरंत निकल के मौके से फरार हो गया। भाई मामले की जानकारी लगते ही अभिषेक दीपू भार्गव दबो पहुंचे, जिनके द्वारा घायलों का उपचार कराया गया, साथ ही उन्हें रेफर भी कराया गया। ये कभी हादसा हुआ है क्या? पूरा घटनाक्रम है अभी मुझे जानकारी लगी थी। मैं एक शादी के कार्यक्रम में दमोह ही आया था, मुझे फ़ोन पर सूचना दी थी बांसा जो बीच में पड़ता है वहाँ पर हमारे गड़ाकोटा के कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे जानकारी लगी कि हमारे गड़ाकोटा के निकट के ही लोग हैं, सभी लोग परिवार से जुड़े हुए हैं और गाड़ी और टवेरा गाड़ी और शायद ट्रक का टक्कर हुई है दुर्घटना, उसके कारण सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यहीं अपने जिला चिकित्सालय दमोह आने पर सभी लोगों को देखा है और डॉक्टर से बात करके उनकी स्थिति जानने का प्रयास करते हैं और गंभीर अवस्था लग रही है तो उनको यहाँ से शिफ्ट करेंगे बेहतर इलाज के लिए। अभी चूँकि पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है घटना की, मैं अभी तत्काल में ही मुझे जानकारी लगी और मैं यहाँ पर आया हूँ। अब सर्वप्रथम तो हम लोगों की घटना तो ठीक है, सर्वप्रथम यही है कि सभी का उपचार ठीक ढंग से हो जाए और जो लोग रेफर करने लायक हैं उन्हें हम बेहतर अस्पताल या उच्च इलाज के लिए उनके लिए यहाँ से लेके जाए। ओके। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज़, दमोह। दमोह जिला अस्पताल वैसे तो मरीजों के उपचार के लिए बनी है, लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है तो तंत्र मंत्र विद्या से उसे जिंदा करने का दावा भी किया जाता है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसी ही खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। जिला अस्पताल में तंत्र मंत्र का खेल चल रहा है। एक युवक है जिसके ऊपर देवी सवार है। मृत व्यक्ति को जिंदा करने का दावा किया जा रहा है। व्यक्ति का नाम सोनू ठाकुर है, जो कि अतिथि विद्वान थे जिनके द्वारा मौत को गले लगा लिया गया, लेकिन इसी बीच एक युवक को देवी आ गई, जिनके द्वारा जहां पुलिस को धमकी दे डाली कि वर्दी उतरवा देंगे, वहीं किस तरह से इनके द्वारा पूरा हंगामा खड़ा किया गया, आइए हम आपको दिखाते हैं। ताला आप तोड़ सकती हैं, आपके पास अस्त्र शस्त्र सब है। महाकाली जी हैं, अभी जान बाकी है माता, उसमें 20 मिनट बाकी है उसके लिए, जल्दी करें जो करना है जल्दी करें। वही तो बोल रहे हैं आप। नहीं तो क्या बोला माता? क्या माता क्या? अभी काल के पास नहीं गया वो। कहाँ पर है भाई वो? अंदर है, जाने द्वार खुलवाइए जल्दी जल्दी करें देवी। आप तोड़ सकती हैं देवी,
ज्यादा नहीं आओगे, बच्चे को देख लेंगे। अरे भाग, भाग निकालो। हरसी पर आएगी तेरी। उठो, उठाओ, उठा सोना। क्या कहते हैं, उम्मीद बाकी है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 5 मिनट के लिए दरवाजा खोल दिए। पर यहाँ कोई नहीं सुन रहा है, पहले सबको देख रहे हैं, हमारे भाई को कोई नहीं देख रहा है। क्या हो गया आपके भाई को? उसने फांसी लगा ली है। अभी जिंदा है वो? वो है जिंदा, उसमें सास बाकी और हम लोग को देखने नहीं दिया गया है। तब तो हम लोग घर से वापस आए। अभी कहाँ रख दिया उसको? वही संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से भी हमने चर्चा की। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा के हालात निर्मित कर दिए, क्या मामला है सर? चौकी जबलपुर नगर क्षेत्र में एक मर्ग की सूचना प्राप्त हुई है, उसी की जांच के लिए उसे मोर्चुरी में रखवा दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा हंगामा किया जा रहा था, समझाने के बाद जो स्थिति सामान्य है, आगे की कार्रवाई और मर्ग में जो भी जांच होगी वो विधि सम्मत की जाएगी। अंत में पुलिस के द्वारा इस ड्रामे को बंद कराया गया। संजय सरवरे, लकड़ी से न्यूज। अजाक संघ दमोह के द्वारा पूर्व में धरना प्रदर्शन किया गया था, आज एक रैली निकाली गई। अजाक का कहना है लगातार आरक्षण खत्म करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जहां पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा तो वहीं दूसरी लगातार 28 जनवरी को जो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से निर्णय दिया गया था उसके तदुपरांत लगातार ब्रांच के द्वारा दिनांकन दी गई है कार्यक्रम के लिए, जिसमें हमने सुगति धरना भी दिया था और आज हमारा संपूर्ण जिलों के साथ साथ दमों में भी ज्ञापन और रैली निकाली जा रही है रोजी रोटी के लिए। इसमें हमारी बहुत सारी मांगे जो है पदोन्नति में आरक्षण, 1,00,000 भर्ती एवं पुरानी पेंशन लागू करने के साथ साथ सफाई संरक्षक कर्मचारियों को नियमित किया जाए एवं कोटवारों को भी वेतन बढ़ाकर नियमित किया जाए, धोखा किया जा रहा है। वहीं हमारी पदोन्नति में आरक्षण नहीं हो रहा है। अन्य मांगे जो हमारे 1,00,000 की भर्ती है, 1,00,000 के हमारे 1,28,000 पद हमारे प्रदेश में हमारे रिक्त है। हमारे दमों में लगभग 5,000 पद रिक्त है, उनको भी नहीं भरा जा रहा है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि दमों में जो रोस्टर उन लोगों ने संचालित किया है 2003 से 2005 तक पूरे दमोह जिले का रोस्टर संचालित हो गया था, लेकिन कलेक्टर के सामने कलेक्टर को बताया जा रहा है कि कलेक्टर रोस्टर के लिए सपेटा लगा लगा करके उसको हमेशा के लिए फुर्त कर दिया गया है। ना तो रोस्टर बन रहा है, ना हमारी जानकारी बन रही है। इसलिए हमारा केवल एक सूत्री कार्यक्रम है, कलेक्टर हटाओ और दलित बचाओ, और हम लोग इस आंदोलन के साथ अगला कार्यक्रम करेंगे। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारी मांगों को, हमारे अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को कलेक्टर शीघ्र सुने, कलेक्टर शीघ्र उनका पालन करे, नहीं तो कलेक्टर के विरुद्ध ही कार्रवाई होगी। इसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन होगा और शासन होगा। जय भीम, जय भारत। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीर तोगड़िए आज दमोह पहुंचे। अल्प प्रवास पर वे दमोह पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदस्य के घर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं उनके द्वारा मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बात रखी गई। Thank you.
लेकर सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का लक्ष्य पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल देश भर में काम कर रहा है। उस क्रम में बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, मैहर होकर अब सागर के कार्यक्रम के प्रवास के दौरान यहां दमोह में आना हुआ है। हमारा संकल्प है कि भारत में कोई हिंदू बिना हेल्प नहीं रहेगा, इसलिए हम हिंदू हेल्पलाइन चला रहे हैं। भारत में कोई हिंदू गरीब बिना पैसे, बिना डॉक्टर नहीं रहेगा, इसके लिए हम इंडिया हेल्पलाइन चला रहे हैं। भारत में कोई गरीब हिंदू भूखा नहीं रहेगा, इसलिए हम एक मुट्ठी अनाज योजना चला रहे हैं। और बिना पैसा कोई गरीब हिंदू जेल में नहीं रहेगा, इसलिए हम मुफ्त में एडवोकेट, हिंदू एडवोकेट फोरम चला रहे हैं। ये करते करते हिंदुओं की सुरक्षा के लिए देश के कोने कोने में हम आवाज उठा रहे हैं। यूक्रेन से 18,000 मेडिकल छात्र वापस आ रहे हैं, काफ़ी आ गए हैं। अब वह वापस यूक्रेन नहीं जा पाएंगे, इसलिए भारत की मेडिकल कॉलेज में इसका MBBS पूरा करने की तुरंत योजना भारत सरकार को बनाकर उसको भारत की मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर देना चाहिए। गाय को लेकर लगातार सियासत होती है, लेकिन गाय आज भी सड़कों पे है, गौशाला का विषय है। गौहत्याबंदी का कानून भी बनना चाहिए, गायों की रक्षा भी होनी चाहिए और जगह जगह पर गायों के चरागाह को सुरक्षित रखना चाहिए। आपने जिस तरह से संकल्प किया था, पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया था, अब राम मंदिर बनने वाला है, कितनी खुशी है। राम मंदिर बन गया और आगे के संकल्प जितने किए हैं वह भी भगवान पूरा करवाएंगे। मथुरा काशी के लिए काशी मथुरा के मंदिर बनेंगे ही। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। सामाजिक संस्था कदम के द्वारा प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे नौ का पौधारोप का जन्मदिन मनाया जाता है। आज भी ये पौधारोपण किया गया, विश्व शांति के लिए पौधारोपण किया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नगर के गणमान्य लोगों के जन्मदिन यहाँ पर मनाए गए। पौधारोप कर ये जन्मदिन मनाया गया, जिसमें जवेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष पवन तिवारी, कदम संस्था के संरक्षक सदस्य बलजीत सिंह मैनी के साथ काफ़ी तादाद में स्थानीय लोगों के जन्मदिन यहाँ पर मनाए गए। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा गीत गाया गया, साथ ही प्रमाण पत्र भी भेंट किए गए। काफी तादाद में कदम संस्था के सदस्य पौधारोपण करने यहाँ आए, जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए, खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए, खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए, बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाए, बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाए, आसमान को छू जाए और प्रथा ये बन जाए, आसमान को छू जाए और प्रथा ये बन जाए, ये चले हजारों साल ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू ओ, हैप्पी बर्थडे टू यू आह, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी बर्थडे टू। मेरे जन्मदिन को यादगार बना दिया है और इसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, और अब आगे से कदम संस्था जब जब वृक्षारोपण करेगी तो हमेशा उपस्थित रहने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरे जन्म जन्मांतर तक याददाश्त बनी रहेगी कि मैंने कदम संस्था के माध्यम से पीपल का पेड़ लगाया है। ये भी आजीवन जो है सदस्य है, जैसा मैं कदम संस्था का सदस्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कदम संस्था को, ये हमें बड़ा सौभाग्य मिला है, और मैं कदम संस्था के सभी सदस्यों को और आपकी यूनिट को निश्चित तौर से धन्यवाद देता हूँ कि जी हमें बेटे के लिए सौभाग्य मिला। मैं कदम संस्था के लिए सदैव तत्पर रहूंगा और आने वाले समय पे लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना का मामला सामने आया है, जहाँ पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक मैजिक पिकअप वाहन में टक्कर मारी है, जिसके बाद MPW घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है जवेरा स्वास्थ्य केंद्र में MPW
परसोत्तम राज जो कि एक मैजिक पिकअप वाहन से जवेरा से नौटा आ रहे थे, तभी हाई स्कूल के सामने बीती रात अज्ञात ट्रक ने वाहन में टक्कर मार दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गए। डायल 100 के माध्यम से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। रात 12:30 या 12 बजे के लगभग का मामला है, जो एक्सीडेंट हुआ है नोएडा में। हम लोग सो रहे थे तो अचानक से आवाज आई कि किसी वाहन की टक्कर हो चुकी है। तो हम लोग तो देखने के लिए गए तो ट्रक तो नहीं मिल पाया किस कौन सा था, वो तो भाग गया था। लेकिन वहाँ पर जिसका छोटा हाथी का जो एक्सीडेंट हुआ है, चालक दल जो चला रहा था ना, वो बहुत घायल अवस्था में था। मैंने तत्काल 100 नंबर को फ़ोन लगाया, 100 नंबर आई और वे घायल को अस्पताल पहुँचाया, और इसके बाद उसका अभी इलाज चल रहा होगा। कहाँ की घटना है ये? नोएडा की घटना है, हाई स्कूल के सामने। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में केवल ड्राइवर अकेला था जो चला रहा था। क्या क्या कंडीशन थी उसकी? बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था, मतलब उसको तत्काल इमरजेंसी की मतलब इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए 100 नंबर को डायल फ़ोन लगाया, उन्होंने अस्पताल पहुँचा। क्या नाम है आपका? पवन विश्वकर्मा, नोएडा। आपके द्वारा फ़ोन लगाया था? हाँ जी, मैंने लगाया था। चलिए। आपका क्या हो गया है? मैं जब यहाँ से एक मोटा घर जा रहा था पिकअप वाहन लेके, तो मड़ावंदर के पास एक ट्रक रॉन्ग साइड से आया और उसने सामने से टक्कर मार दी गाड़ी, तो भाग गया। कहाँ की घटना है ये? नोएडा मड़ावंदर के पास, वो लाइन पर। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह जिले के नोएडा थाने के नए भवन का लोकार्पण हो गया है। विधायक जबीरा धर्मेंद्र सिंह लोधी एवं पुलिस स्टाफ तेंदुखेड़ा SDOP अशोक चौरसिया, नोएडा थाना प्रभारी विकास चौहान के साथ आसपास के कई थाना प्रभारी यहां पर मौजूद थे। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि बहु प्रतीक्षित मांग थी कि पुराना थाना था वो जर्जर हो गया था, तो आज नए थाना नोएडा में नए भवन का लोकार्पण किया गया है, जो अभी मैं देख के आया। सर्व सुविधा युक्त भवन है और निश्चित रूप से ये जो बहुत समय से मांग थी वो पूरी हुई है। थैंक यू सर। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। बीते 24 फरवरी से लगातार कुंडलपुर में बड़े बाबा का अभिषेक कार्यक्रम चल रहा है। जो भक्त पंचकल्याणक महोत्सव में शामिल नहीं हो पाए, अब वो अभिषेक में शामिल हो रहे हैं, जो आगामी होली तक चलेगा। यहाँ पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हो चुका है, और उसके बाद अब मस्तकाभिषेक बड़े बाबा का प्रारंभ हो गया है। और मस्तकाभिषेक महोत्सव समिति के जो प्रभारी हैं श्रेयांश लहरी जी के नेतृत्व में टीम यहाँ पर कलश आवंटित कर रही है, और विभिन्न प्रकार की राशि के कलश यहाँ आवंटित किए जा रहे हैं। जो लोग देश से विभिन्न भागों से नहीं आ पाए हैं, उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है यहाँ आकर मस्तकाभिषेक करें। यहाँ पर सुधा सागर जी महाराज जी विराजमान हैं और आरिका संघ भी विराजमान है। गजरथ की फेरी होने के बाद में 24 तारीख से बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक चल रहा है, जो अभी हमारा होली तक चलेगा, रेगुलर चलेगा। और यहाँ पर जो गजरथ में नहीं आ पाए, वो अब सारे लोग अब यहाँ पर हमारे यहाँ महामस्तकाभिषेक कराने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ एक बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। और DCN परिवार का मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने भी बहुत अच्छा कवरेज दिया है। लकी DCN परिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और लकी DCN के संवाददाता इम्तियाज चिश्ती जी का खास करके, उनने हमारे लिए बहुत अच्छा कवरेज दिया हुआ है।
गड़ाकोटा का एक युवक यूक्रेन में फंसा हुआ था जो वापस अपने घर पहुंचा, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। गड़ाकोटा के पुलिस लाइन निवासी प्रधान आरक्षक दयाराम पटेल का बेटा अक्षय पटेल रूस यूक्रेन की जंग के बीच निकलकर गड़ाकोटा पहुंचा है। वह साकौशल है। इस संबंध में अक्षय पटेल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार एवं स्थानीय मंत्री गोपाल भार्गव के सहयोग से हम सही सलामत अपने वतन लौटे हैं। इस संबंध उनके द्वारा बताया गया कि कैसे वह हवाई अड्डे तक पहुंचे। हमारा परिश्रम काफ़ी रहा था और कठिनाइयों के दौर से गुजर के आए हैं, और कठिनाइयाँ हम लोग के लिए रही थी तब से कि 24 फरवरी से हम लोग इसको फेस कर रहे थे। वहाँ हम लोगों ने देखा कि 23 फरवरी तक ये सब माहौल नॉर्मल था, हर चीज़ थी, परंतु फिर उसके 24 फरवरी को जैसे पहला अटैक हुआ की पे और खारकी वगैरह पर, और हमारे शहर में भी एक अटैक हुआ, तो हम लोगों ने शहर छोड़ने का निर्णय लिया था। तो जिसमें हम लोगों ने एक बस बुक करी, हम लोग निकले थे वहाँ से शहर से रोमानिया बॉर्डर की तरफ, और फिर रोमानिया बॉर्डर से पहुँचे हम लोग, और इसमें रोमानिया बॉर्डर पहुँचने में हम लोग को तिरंगे की काफ़ी हेल्प मिली। 42 पोस्ट चेक पोस्ट थी जहाँ पर वो लोग तिरंगा देखे हम लोग की बस को विदाउट चेकिंग, विदाउट एनी प्रॉब्लम के वो हम लोग को छोड़ रहे थे वहाँ से। तो ऐसे ही करते करते हम रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। 10 किलोमीटर पहले उतरना पड़ा क्योंकि जाम काफ़ी था और पब्लिक भी जा रही थी, तो हम लोग 10 किलोमीटर पैदल चल के पहुँचे, और थोड़ा 14-15 घंटे बाद हम लोग बॉर्डर से वहाँ से पार बाहर हुए, रोमानिया बॉर्डर में एंटर हुए। और रोमानिया बॉर्डर में एंटर होते से हम लोगों ने यह देखा कि भारत गवर्नमेंट की जो भी व्यवस्था थी, जो भी उन्होंने रोमानियन गवर्नमेंट के साथ साझा किया था, जो भी किया था, वो एकदम हमारी सोच से काफ़ी अच्छा था। जैसा हम सोचे थे कि शेल्टर हाउस कैसे होते हैं, जो हमने देखा था कि अदर मूवीज़ वगैरह, इन सब से वो काफ़ी अच्छे थे। वहाँ पे व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी थी, खाना पीने की सुविधाएं हम लोग को काफ़ी अच्छी दी गई थी, रहने की व्यवस्था दी गई, और हम लोग को ये आश्वासन दिया था कि अब आप यहाँ आ गए हो तो आप रोमानियन बॉर्डर से आप यूक्रेन छोड़ दिए, परेशानी आपकी वहाँ छूट गई, आप रोमानिया में एंटर हुए हो, यहाँ से आप 2 दिन के अंदर अपने घर पर होंगे। और जैसा कि उन्होंने बोला था, वैसे ही मैं 2 दिन के अंदर, दूसरा दिन हमारा 48 घंटे खत्म नहीं हुआ, मैं अपने घर पे आ गया। अक्षर से मिलने भाजपा नेता अभिषेक दीप भार्गव भी पहुंचे। इस संबंध में हमने उनसे भी चर्चा की। एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गृह नगर का चिराग अक्षय हम साकुशल हमारे बीच में है। उनके माता पिता भी काफी चिंतित थे और उनके साथ साथ पूरा क्षेत्र भी चिंतित था, लेकिन भगवान की कृपा से और हमारे भारत देश के सशक्त नेतृत्व के कारण, जो आज भारत की पूरी दुनिया में साख है, जो रुतबा है, उसके कारण अक्षय आज साकुशल हमारे बीच में आया है। उसको हमारा अक्षय भी एक्सेप्ट करता है और यह पूरी दुनिया को भी पता है। मैं अपनी ओर से और गृहनगर की ओर से अक्षय को शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ रैली विधानसभा क्षेत्र के एक नागरिक को सुरक्षित वापस लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय सिंधिया जी और माननीय शिवराज जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उनके प्रयासों से सभी के बीच में साकुशल वापस आ। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ के घनश्यामपुरा में संगीतमय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा, जहां पर कथा व्यास, बाल व्यास, पंडित ऋषिकांत गर्ग महाराज स्वामी के मुखारविंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा। छठवें दिन श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह संपन्न हुआ, बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ, विवाह का प्रसंग सुनाया गया। इस अवसर पर काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। कथा श्रोता श्रीमती राधा रानी भागीरथ प्रसाद रैकवार के द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया है। मेरा तार हरे से जोड़े ऐसा कोई संत। ध्यान रखना परमात्मा, ध्यान रखना भैया, अगर जाए संत मनन को जो भी जाए, वृंदावन में धर्म बनाए, वृंदावन में धर्म बनाए। देख लो बंधुओं, यही रहोगे या वृंदावन चलोगे? अच्छा कौन कौन जाना चाहता है जिंदगी में वृंदावन एक बार? मैं सच कहता हूँ, दुनिया की किसी जगह जाना या ना जाना, लेकिन एक ना एक दिन अपने व्यास जी के साथ, क्योंकि व्यास जी की जन्मभूमि यही है लेकिन रहते वृंदावन है, तो व्यास जी के साथ फुटेरा सिरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले की रहली में पटना बुजुर्ग के पास टिकुआ हार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्याज की खेती के बीच अफीम की खेती की जा रही थी,
जिस पर पुलिस के द्वारा दबिश देकर इस अफीम को जब्त किया गया है। मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि अफीम की खेती की जा रही है, तब पुलिस के द्वारा रेड की गई। मौके पर देखा गया तो बड़ी मात्रा में खेत में अफीम की खेती पाई गई। पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा दो खेत नर्मदा कुर्मी एवं नंद किशोर कुर्मी का होना बताया गया। मामले की जानकारी TI रोहित मिश्रा के द्वारा विस्तार से दी गई। ढिकुआ मोर्चे में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ पौधे लगे हैं, तो जाकर मतलब मैं हमला फोर्स के कार्रवाई की गई। देखा गया तो वो अफीम के पेड़ हैं, इसको विधिवत जब्त कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। कितने आरोपी हैं टोटल? आरोपी अभी इसमें दो खेतों में वहाँ प्राप्त हुई है, तो दोनों के पटवारी और तहसीलदार से जानकारी ली जा रही है। दो आरोपी विरुद्ध अभी फिलहाल तमिलस्थान अपराध कायम किया गया है। ये जो पेड़ है ये कितनी कीमत के बताए? ये लगभग इसमें अभी तो हरे पेड़ हैं, गीले पेड़ हैं, लगभग 2 लाख रुपये की कीमत के पेड़। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह परिहार आज रहली क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। संभाग स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट था जिसका फाइनल मैच था। वह मुख्य अतिथि के रूप में इस मैच में शामिल हुई। पूर्व मंडी अध्यक्ष स्वर्गीय पलटूराम पटेल रहली की स्मृति में इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर काफ़ी तादाद में युवाओं की यहाँ उपस्थिति थी। पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई के द्वारा अपना उद्बोधन दिया गया। इसी बीच उनके द्वारा घोषणा की गई कि वह अब रहली क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। कार्य प्रणाली से लोगों में अलग पहचान बनाए हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। आज बड़े इंतजार के बाद हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो आज के इस क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में अपनी बात रखें, अपने दो शब्द रखें। सभी लोग उनको सुनने के लिए उत्सुक हैं, बेताब हैं। हमारी दमोह की पथरिया विधानसभा की लोकप्रिय और दबंग विधायक श्रीमती रामबाई सिंह जी, आवाज जोर से नहीं आ रही भैया, चाहते हैं बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि मैं रैली विधानसभा से चुनाव लड़ूं? तो उठाइए आज के कौन कौन कितने लोग मेरे पक्ष में हैं। मैं फिर विचार करूंगी और कल से साथ देना, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपसे वो जो भी पूछते हैं क्या मेरे साथ आप हो गए तो ठीक है, मैं भी विचार करूंगी। रैली विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब ऐसा होगा देगा। इस अवसर पर इंजीनियर श्रीमती ज्योति पटेल, जिला पंचायत सदस्य एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। फटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। माँ बड़ी देवी दरबार में शंकर व्याख्यान मेला सौंदर्य लहरी का आयोजन किया गया, जिसमें काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। व्याख्यान माला में वक्ता के रूप में परम पूज्य श्री श्री शंकर भारती महास्वामी जी महाराज, मठाधिपति श्री योगानंदेश्वर सरस्वती मठ मैसूर रहे। कुछ बात कहते हैं कि जो स्तोत्र हैं वो परमात्मा के उद्देश्य को लेकर परमात्मा की स्तुति उन स्तोत्रों में भगवत पाद ने की है। परमात्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसको लेकर परमात्मा के विषय का को स्तोत्र के माध्यम से भगवत पाद ने प्रतिपादित किया है। किमर्थम परमात्म विषय एवं गुणगान करणीय कि प्रयोजन इति प्रश्न यदि क्रियते सर्वानुद्दिश्य नैकानुपदेशान् कृतवन्तः तत्रापि स्तोत्राणि यदि वयं पश्यामः बहूनि स्तोत्राणि सन्ति, अथापि केवलं सौन्दर्यनगरी स्तोत्रं किञ्चिदिव अहं दर्शयितुम् इच्छामि।
आदि शंकराचार्य परम पूज्य शंकराचार्य जी ने क्या किया है इसके विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने हम सभी के लिए क्या किया है उसके उस विषय को लेकर सौंदर्य गैली में उन्होंने क्या। इस अवसर पर स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज सभा। पांच घायल, घायलों का हाल चाल ने गड़ाकोटा से दमोह पहुंचे भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव। मृत युवक को जिंदा करने के लिए जिला अस्पताल में चलता रहा तंत्र मंत्र का खेल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया अल्पप्रवास पर पहुंचे दमो। विभिन्न मांगों को लेकर अजाक्स ने निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।